बड़ी बारिश हो रही है तो मैं बड़ी दिक्कत करके भी आ रहा है, मेरी चप्पलां सारी गली हुई है भैया। 200 रात का समा हो गया तो रोटी खा के वेले हो गए हैं तो मैं क्या थोड़ा डेजर्ट विच कुछ खा लिए तो मैं क्या कॉन्टीनैंटल डेजर्ट खाना है बेल्जियम वैफल विच। पिछे तो देख सकते हो कंपनी बाग चौंक हैगा ते नाल ही लाइटा वाला चौंक है तो बिल्कुल नाल ही तुसीं देख सकते बेल्जियम वैफल। 200 मैनेजर साहब इस वेले बिजी है ने, उन्होंने टाइम विचों टाइम कढ़ के उन्होंने थोड़ी बहुत ही गलबात करते हैं। सत श्री अकाल भाजी। हैलो सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। तो भाजी अपना तुसीं नाम दस दो। सर मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। तो भाजी तुसीं दस दो इत्थे तुहानूं काम करदे नूं कितना चिर हो गया? भाई लगभग मैं इतने दूजा साल चलन रहा है। पहला मैं मॉडल टाउन ब्रांच से। ओके सर जी। तो फिर जो इधर नवी ब्रांच ओपन की तो बाद मैं इधर मूव कर दिता गया। नहीं तुम दस दो जलंधर कितनी ब्रांच है? सर अपने जलंधर से 2 ब्रांच है, एक मॉडल टाउन है तो एक कंपनी बाग है। सर एक आबली ब्रांच है कंपनी बाग है। सर ये दस दो वैफल किड़े वधिया वैफल है? सर अपने वैफल तो आलमोस्टली सारे ही वधिया ने, जिदा कि बाकी जोड़े फेमस अपने ज़्यादा कस्टमर ने जोड़े किते ज़्यादा डिमांड च आपां नूं देई दे। ट्रिपल चॉकलेट आ, रॉकी रोड आ, एक न्यू लॉन्च होया अपना किकी एंड क्रीम, वो भी ज़्यादा कस्टमर ने बहुत ज़्यादा लाइक किया आ, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है अजकल। हाँ जी। सर पैनकेक्स में किड़े-किड़े वधिया ने? सर पैनकेक्स भी जिदा फ्लेवर तो सारे के सेम ही होंगे ने, बट जिदा पैनकेक्स जोड़े अपने वो सॉफ्ट होंगे ने, वफल्स थोड़े क्रिस्पी टाइप होंगे ने, तो जोड़े पैनकेक्स ने आलमोस्ट लाइक वही ट्रिपल चॉकलेट हो गए तो नटेला वफल्स नटेला पैनकेक्स भी अवेलेबल ने, सारे वधिया ने आलमोस्टली। हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਪਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਆ? ਸਰ ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਨ ਕਰੀਮ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਲੈਸ ਕਿਦਾਂ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਐਗਲੈਸ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲੀ ਵੈਜ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। 200 ਐਸਲੇਟ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ 7 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਰ ਫੁੱਲ ਵੇਸ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਫ ਨੂੰ ਸਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 3.5 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਤੇ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। बहुत वधिया टेस्ट है बेल्जियन वॉफल का। अगर तुम पहली बार वॉफल ट्राई कर रहे हो तो आई मस्ट से तुम बेल्जियन वॉफल तो ट्राई करो। मैं बाकी जगह भी वॉफल ट्राई की है बट इन्हों का टेस्ट मतलब डिफरेंट ही है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो वॉफल की क्रिस्पीनैस वेरी गुड एंड तो जी इन्हों की चॉकलेट की फीलिंग होंगी है बेल्जियन चॉकलेट की, वाइट चॉकलेट है, मतलब काफ़ी अच्छा टेस्ट है विद आइसक्रीम तो अमेजिंग। अच्छा भाई तुम दस दो इतने तुम्हें वैफल किहड़ा वधिया लगदा? सर मेरा फेवरेट है रॉकी रोड। अच्छा तो उस तो अलावा कोई? उस तो अलावा सर किकी एंड क्रीम बहुत वधिया है, पैनकेक्स की वैरायटी अच्छी हैगी इतने। ठीक। हाँ जी तुम मेरी शर्ट देखकर समझ दो मैं भी जोमैटो से काम करता, मैं तो इस टाइम ऑर्डर लैन आया है। इतने रेस्टोरेंट का मालिक जोड़े है उन्होंने सुभाव काफ़ी वधिया है वा, इतों का काफ़ी वधिया खाना पीना भी बहुत टेस्टी है। अच्छा भाई तुम दस दो इतने मर्चेंट का सुभाव तुहानूं किद्दां दा लगदा? भाजी बहुत वधिया। तुसीं इत्थे खुद कदी वैफल खा के देखिया? हाँ जी ਅਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੈਫਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਟਕਟ ਵੈਫਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੇਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਫਲਸ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਟਾਫ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਨੇਕਿਡ ਨਟੈਲਾ ਤੇ ਸ਼ੇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਟੈਲਾ ਸ਼ੇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ठीक सैकेंड लिए भाई इन्हूं लगातार वेव करना पैंदा है तां जो ये क्रिस्पी हो जाए, वेव करन दे नाल सॉफ्ट नहीं रहिंदा, सॉफ्टपन जिहड़ा हुंदा है वो सारा फिनिश हो जांदा इहदे विचों। भाई ये चीज़ क्रीम आ, इहदे नाल ही अपने किकी एंड क्रीम चॉकलेट आ, इहदे नाल ही डार्क चॉकलेट आ, इहदे नाल ही मिल्क चॉकलेट आ ते नाल ही नाल वाइट चॉकलेट आ ते उस तों नाल नटेला आ। सर प्रोसैस की है समझाओगे थोड़ा? सर की रेडी कर रहे हो सर? सर हुण मैं कर रहा है अपना रेड वेलवेट तैयार। रेड वेलवेट ज़्यादातर वाइट चॉकलेट लगती है, वाइट चॉकलेट 43 ग्राम लगती है तो नाल ही चीज़ क्रीम लगती है, चीज़ क्रीम 20 ग्राम लगती है। ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਮ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਲਟੀ ਪਨ ਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਮ ਥੋੜੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾ ਦਈਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਈਸਿੰਗ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਇਹ 0.8 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਕੇਕਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਨਕੇਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਨਕੇਕਸ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਰ ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਕੀ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਕੀ ਐਂਡ ਕਰੀਮ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਐਡ ਕਰਤੀ ਆ ਵਨੀਲਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲੂਬੈਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਬਲੂਬੈਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੂਟ ਕੇਕ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਮ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मैं पहली बार ट्राई दिल्ली में किया था फिर बाद में मॉडल टाउन स्टोर खुला तो वो भी अच्छा लगा तो मतलब लगा रेगुलरली आता हूँ वीक में एक बार आता हूँ अब तो यहाँ आता हूँ तो इधर का आपको स्पेशल कौन सा लगता है मेरा ट्रिपल चॉकलेट ओके सर दोस्तों रेडी खाने वास्ते तो तुसीं प्रेजेंटेशन देख ही लई आ ते खा के तुहानूं रिव्यू दिंदे आ यम्मी टेस्ट है यार एकदम क्रिस्पी ते मैं कहा जो मिठास हैगी एकदम औसम हैगी आ दोस्तों जो वैफल एंड क्रीम का टेस्ट है बैलेंस है ना ज़्यादा मिठास हैगी ना ज़्यादा वो कह सकते हैं सोर है क्योंकि खट्टा मिठा थोड़ा टेस्ट है तो जो मैं कह सकता एक थम्स अप है तो जो वीडियो वधिया लगे थले लाइक भी जरूर कर दिया करो दोस्तों मैं तुहाडा वेट कर रहा जल्दी तो जल्दी इत्थे आओ वैफल मेरे नाल इंजॉय कर सकते हो इस वेले बज चुके ने 8 तो जल्दी तो जल्दी आ जाओ बेल्जियम वैफल तुहानूं लोकेशन मैं पहले शुरुआत में दिखा चुका हाँ तो इस अलावा होर भी बड़िया इंटरस्टिंग चीज़ा इत्थे आ रही तुहाडे सामने जल्दी तो जल्दी आ जाओ मैं तुहाडा वेट कर रहा दोस्तों मैं तुहानूं निक्के जे यार दे नाल मिलाना हैलो किद्दां की हाल चाल ठीक हो तो इत्थों दे वैफल किद्दां दे लगदे आ अच्छा लगता है ते कितनी बार खाते हो दिन में तो 5 बार क्या बात है बंदा दोस्तों इस वेले साडे किकी एंड क्रीम पैनकेक तैयार हो गए ने खा के तुहानूं रिव्यू दिन्ने आ प्रेजेंटेशन बहुत कमाल दी लग रही है तुसीं देख सकते हो तो हूँ खा के दस रिव्यू दिने क्या बात है यार मज़ा ही आ गया खा के यम्मी टेस्ट है दोस्तों बहुत औसम टेस्ट है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता एकदम औसम है जो जो स्मूथनैस हैगी ना तो जो किटकैट दी जो चॉकलेटी थोड़ा क्रंची क्रंची आ रहा है मूँह वो तो कमाल का टेस्ट आ रहा है तो नाले आइसक्रीम का थोड़ा ठंडा ठंडा करके ना मूँह जो क्रीमी क्रीमी जो टेस्ट आ रहा मैं औसम हो रहा काम उदा भी मौसम भी औसम आ तो यह भी बड़ा औसम है तो तुम एक बार जरूर आकर ट्राई करो बेल्जियम वैफल में भाई तुम दस सकते तुम वैफल कि लगते तेन बहुत टेस्टी है भाई मैं कहना मैं जो भी आना ना स्पैशल इत्थे रुकदा आके भावें हुण भी बड़ी बारिश हो रही है तो मैं बड़ी दिक्कत करके भी आ रहा मेरी चप्पलां सारियां गिल्लियां होईयां भाई दोस्तों इस वेले ब्लूबेरी चीज़ी क्रीम केक खान लगे हाँ तो तुहानूं टेस्ट करके दसदे हाँ दोस्तों टेस्ट बड़ा औसम है जो विच छोटी छोटी बैरीज आ रही ना वो तो बहुत कमाल का टेस्ट कर गए तो मैं बाकी पूरा खाने तो बाद लास्ट में रिव्यू दिना दोस्तों जो ये ਕਰੀਜ਼ ਚੀਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਲੂਬੈਰੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਔਸਮ ਟੇਸਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੈਫਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। दोस्तों इस लिए साडा ब्लूबैरी शेक तैयार हो रहा है। भाई दसणगे की की इंग्रीडियंट्स विच पै रहे ने। हाँ जी भाई सब तो पहला आप ब्लूबैरी च पावांगे 100 ग्राम आइस पैंदी है इहदे विच, उस तो बाद पाऊगा 130 ml मिल्क जो कि आप पा रहे हैं। आप ब्लूबैरी पा रहे हैं 40 ग्राम। भाई आप पाने लगे हैं फ्रापे पाउडर, ये पाऊगा अपना 25 ग्राम। ये फ्रापे पाउडर भाई जिदा शेक नूं थिक करदा है। वाइट चॉकलेट पाऊगी 20 ग्राम। हेलो दोस्तों रेडी है साडा ब्लूबैरी शेक ते टेस्ट करके तुहानूं इहदा टेस्ट दस्सदे हां। दोस्तों टेस्ट बड़ा ही औसम हैगा ते मिठास जिहड़ी हैगी प्रॉपर हैगी आ, ज़्यादा मिठा भी नहीं हैगा ते जो इहदे विच स्मूथ टेस्ट आ रहा ते जो कहंदे गले नूं भी नहीं लग रहा तो मैं क्या क्वालिटी एकदम बेस्ट हैगी। तुसी एक बार जरूर इत्थे आके ट्राई करो। शेक होर भी बड़ी थावां ते पीते ने पर जो इत्थे दा टेस्ट आ रहा एक यूनीक टेस्ट आ तो मैं क्या एक बार तुसी जरूर इत्थे ट्राई करो। बाकी मैं सारे आल रिव्यू तुहानूं लास्ट विच दस्सदा ते मिलदे आं अगों दी। दोस्तों भाई ने बहुत वधिया वैफल सर्व किए ने मैनू एज इन्हां दा जिहड़ा स्टाफ हैगा उन्होंने मैनू बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया तो बहुत वधिया औसम टेस्ट हैगा। तुसी एक बार जरूर आकर ट्राई करो। तो बाकी मैं भाई का स्पैशल धन्नवाद करने लिए भाई ने वीडियो में दुआ तो लिता। थैंक यू भाई तुसी इत्थे आए साडे विजिट कीता। ठीक है जी तुसी वीडियो बनाई आ साडी जो भी साडा लोकां नूं पता लगूगा होर जिन्हां नूं नहीं पता हैगा वैफल्स की चीज़ हुंदी आ तो प्रमोट किया साडे वैफल्स नूं जिहड़ी कि पंजाब में पहली चेंज आ वैफल्स लैके आते बेल्जियन वैफल्स जी अपनी कंपनी का नाम आ ये बॉम्बे की चेन आ। बहुत वधिया चीज़ आ जो कि चॉकलेट ही आ आलमोस्टली चॉकलेट तो सारियां दी फेवरेट हुंदी आ तां करके इत्थे मैनूं वधिया लगदा जॉब करना भी। सो तुहाडा भी थैंक यू आ सर तुसीं आए। सर तुहानूं इत्थे दी वैफल किद्दां दे लगदे ने? बहुत ही वधिया जी इत्थे दा जो टेस्ट हैगा होर किसी साइड पासे नहीं मिलूगा। मेरे नाल मेरे स्विगी वाले यार खड़े ने। दोस्तों की हाल चाल सारे का? वधिया जी वधिया। तुसीं दस सकदे इत्थों दी तुहानूं मर्चेंट दा सुभाव किद्दां दा लगदा? बहुत मिलनसार आ जी वधिया भाजी वधिया है बंदे करदे साडे नाल। एज तुसीं इत्थे कदी वैफल खा के देखे? हां जी जी। ते ऑल राउंड किद्दां दे लगदे आ? बहुत ही वधिया गुड आ भाजी गुड। भाई उन्हें चैनल में सबसक्राइब कर। सर तुहानूं इत्थों दी वैफल्स किद्दां दे लगदे आ? मैनूं भी बहुत वधिया लगदे और मेरे बेटे नूं तो बहुत ही वधिया लगदे ने। ऑलमोस्ट सारे टेस्ट किए जी बहुत अच्छे फ्लेवर बहुत ही क्रंची टेस्ट है जी और मेरे बेटे ने तो मेरी फर्स्ट चॉइस है। तो बेटा बताओ। बहुत अच्छा है यहाँ का काफ़ी टेस्टी होता है और अलग जहाँ फ्लेवर मिलता जो बाकी सानू जो आइसक्रीम आउटलैट है उन्होंने तो नहीं सानू मिलता जो सानू टेस्ट इतने मिलता। थैंक दोस्तों जे तुसी सारे फूड आउटलैट्स की जानकारी चाहते हो तो सुखविंदर सिंह व्लॉग यूट्यूब ते जरूर देखो लाइक शेयर ते सब्सक्राइब करो। इसको वॉफल चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद है। चॉकलेट वॉफल बहुत पसंद है। अब कौन सा खा रहा है? चॉकलेट ओवरलोड। और कौन सा पसंद है? बेल्जियम वॉफल सॉरी बेल्जियम चॉकलेट। Belgium dark waffle is very yummy, it's amazing. सर तुहानूं इत्थों दी वैफल किद्दां दे लगदे? बहुत वधिया भाजी एक नंबर। सर ब्लूबैरी शेक ते रेड वेलवेट वैफल वधिया लगदा मैनूं। इत्थे दा बहुत वधिया बनांदे मुंडे वधिया ढंग नाल कम करदे आ लैंग्वेज वधिया हैगी दा ते वधिया ढंग नाल कस्टमर नूं हैंडल करदे आ। बहुत वधिया लग्गा मैनूं इत्थे आके बहुत वधिया नाइस आ। दोस्तों इस वेले मैं सारी बेल्जियम वैफल दी टीम दे नाल खड़ा सारे दा सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। भाई हुणां नाल मिल के सानूं बहुत वधिया लग्गिआ जी। तुसीं इन्हां दा पेज YouTube ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫੂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫੂਡ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜਲਦੀ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।